भाई साहब, आ जाएगा मजा फ्लैट देखने का। मेरे ये लफ्ज कहने के साथ साथ आपको ये तो पता चल गया होगा कि फ्लैट ऐसा होने वाला है। फ्लैट मैं कहता ऐसा बेहतरीन फ्लैट है ना, अभी तक जो हमें 70-72 वीडियो डाली हैं, अगर मैं ज्यादा ना बोलूं तो उसमें से सबसे सुपर बढ़िया ये वाला फ्लैट होने वाला है। तो वीडियो अगर पूरी देखोगे दोस्तों, मजा आने की 100% गारंटी है। इतना शानदार फ्लैट है, टोटल डिजाइनर फ्लैट, 100% इंटीरियर डेकोरेटर फ्लैट। मैं कहता हूँ शानदार फ्लैट होने वाला है। वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, पूरी लास्ट तक देखना ना, मजा आए ना तो कमेंट में बोल के जाना कि संजय ग्रोवर जी मजा नहीं आया। की हाल चाल, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों, संजय ग्रोवर आपके सामने फिर लेके आया है एक सुपर डिजाइनर फ्लैट, सुपर इंटीरियर डेकोरेटर फ्लैट। पीछे मेरे वॉल देख रहे हैं, शानदार काम, गोल्डन और ब्लैक कलर का इतनी शानदार वॉल दी है। अभी तो मैं यहां खड़ा हूं, जब इसके बेडरूम दिखा दूंगा, जब इसकी किचन दिखा दूंगा, जब इसके बाथरूम दिखा दूंगा, आप कहोगे एक एक चीज में मजा आ गया। क्योंकि आज से 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, ये फ्लैट नहीं होटल है, ये उसी कॉन्सेप्ट का फ्लैट है, लेकिन इसमें जो इंटीरियर डिजाइनिंग यूज की गई है बिल्कुल उस थीम से हटके यूज की है। क्योंकि हर बार कुछ अलग देंगे तो पता चलेगा कि हम चीज क्या यूज कर रहे हैं। इसके दरवाजे, मेन डोर, इसकी किचन, मैं कहता हूं हर चीज अल्टीमेट है। तो दोस्तों पहले तो ये बता दूं, मैं 3 BHK का फ्लैट है, बहुत शानदार फ्लैट है, और इसका जो एरिया लगभग 135 गज का इसका भी एरिया है, और डिजाइनर फ्लैट है। इसका हम नाम ही रख लेंगे 135 गज का डिजाइनर फ्लैट। ड्राइंग रूम में खड़ा हूं मैं, सुपर स्पेशियस ड्राइंग रूम। इसकी एक एक चीज के बारे में दोस्तों बताऊं ना, मैं गिनती करूं तो एक एक चीज होगी। पहले हम बात करेंगे इस फ्लोरिंग के बारे में, तो नीचे मैं फ्लोरिंग दिखा रहा हूं, हाई ग्लोस टाइलें शानदार चमक रही हैं। जो उसके अंदर डिजाइन देख रहे हैं ना, हटके डिजाइन है, मैं कहूँ बहुत ही अच्छा डिजाइन है, अभी तक हमने किसी फ्लैट में भी ऐसा नहीं लगाया। पीछे मेरे जो वॉल देख रहे हैं गोल्डन कलर की, और स्किन कलर की जो वीविंग देख रहे हैं, ये सारी ब्रास की वीविंग है जो कि इस पर लगाई गई है। काफी बढ़िया काम किया गया, पीछे वुडन का बेस है। कई लोग कहते हैं जो आप क्वालिटी लगाते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया करो कि लगा क्या हुआ है, ताकि वीडियो में कुछ चीजें समझ में आ सके। तो दोस्तों इसके पीछे जो वुडन का पैनल है उसके ऊपर माइका लगाया गया, उसके ऊपर ब्रास की वीविंग की हुई है, तब पूरी तैयार करके ये हमने पूरी वॉल तैयार की है। ठीक है दोस्तों, पैनल की बात करूं तो पैनल में पर सारा बिल्कुल PU माइका लगा हुआ है, पीछे ग्रे कलर के लुवर लगे हुए हैं, बड़ा ही डिजाइनर पैनल बनाया है। अब आ जाते हैं मेन क्या है चीज है जिसके बारे में बात कर रहा था, दरवाजा। अगर इसको ऐसे खोलोगे आप, ये जैसे मैंने खोल दिया, आपके घर कौन आया है ये पता चल जाएगा, सिक्योरिटी पर्पज से है। और इसकी क्वालिटी की बात मैं करूंगा, ये देखिए 12 लीवर वाला इतना मोटा दरवाजा, सारा रेडीमेड दरवाजा है, स्पेशल दरवाजा है ये, पूरा सिक्योरिटी पर्पज से लगाया दोस्तों, इतना शानदार क्वालिटी का दरवाजा लगाया है। मैं इसे स्पेशल इसलिए दिखा रहा हूं, सिक्योरिटी पर्पज से बढ़िया डिजाइनर पीस है, एक नंबर की क्वालिटी है। क्वालिटी के बारे में क्या कहूं, क्वालिटी इतनी सुपर क्वालिटी है ना दोस्तों, मैं कह रहा हूं मैं इसके बारे में बयान कैसे करूं। आप आओगे देखोगे इसकी क्वालिटी को, एक एक चीज को टच करोगे तो आपका एक एक चीज पे पैर रुकेगा और मन रुकेगा, आपकी आंख रुकेगी कि हाँ वाकई ही जो वीडियो में बताया गया था एक एक चीज आपको वैसे दी गई है दोस्तों। ठीक है, साइजों की बात करूं कि एल टाइप का सोफा लग जाएगा, सेंटर टेबल लग जाएगा, ये सब चीजें तो हम ऑलरेडी बताते रहते हैं। जैसा कि पीछे आपने ड्राइंग रूम देखा तो उसमें पता चल ही रहा था कि यहाँ सोफा लग जाएगा, यहाँ सेंटर टेबल लग जाएगा, सामने LCD का पैनल है, पीछे डिजाइन हमने वो दिखा दिया आपको। ठीक है, सामने मेरे किचन देख रहे हैं, किचन की USP क्या है, किचन में एंटर करते तो स्पेस बहुत बड़ा है, ऊपर से ये देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे कर्व में पूरी ऐसे गुलाई करके हमने डिजाइन दिया दोस्तों। अगर साइज की बात करूं, बाएं वाला खड़ा हूं दोस्तों मैं, साइज बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मैं कह रहा हूं इतने शानदार है ना, आराम से 5-6 लेडीज खड़े होकर काम कर सकती हैं। इसके अंदर हम जो पेंट्री दी है प्रॉपर ग्लास की पेंट्री दी है, देखो मैंने हाथ लगाते ही अपने चल गई लाइट, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर पूरी नीचे से ऊपर लाइटिंग का काम है। यहां पर मैं बात करूं तो सारी हमने ग्लास फिटिंग दी है, चिमनी जो लगाई है सारी ब्रांडेड चिमनी लगाई है, जो बिल्कुल टच वाली चिमनी आती है सारी हाई क्वालिटी की चिमनी लगाई है। और साइज की बात करूं तो पूरा ये देखिए यू टाइप का साइज, बहुत ही सुपर स्पेशियस साइज, इसमें फॉल सीलिंग, प्रोफाइल लाइट और दूसरी चीजें, मैं कहूँ एक एक चीज ब्रांडेड लगी हुई है। अलग से जो हमने सिंक दिया है, डबल सिंक दिया है, हैंडमेड की क्वालिटी लगी हुई है दोस्तों, एक में आपके जूठे बर्तन आ गए, एक में आप दूसरा यूज कर सकते हैं। सारी जो फिटिंग लगी है जैगुआर की लगी हुई है, जैगुआर का मैं ब्रांड दिखाना चाहूं तो मैं आपको ब्रांड दिखा सकता हूं, ये देखिए
ऊपर से ये जगुआर की सारी फिटिंग लगी है, ये जगुआर का सारी बाथरूम में भी सारी फिटिंग है। अब इसका बाथरूम देखेंगे ना दोस्तों और भी मजा आएगा, जो हमने अटैच बाथरूम भी है वो और बढ़िया है क्योंकि इसमें ग्लास का पार्टीशन दे रखा है। अभी हम वहां तक जाएंगे, पहले मैं कॉमन बाथरूम की तरफ जा रहा हूँ। सारी फिटिंग लगा रखी है हमने, सारी जगुआर की फिटिंग लगी है, इसमें भी दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर सीट, शावर, डाइवर्टर सब चीजें लगी हुई है। ये तो हो गया सारा कॉमन स्पेस दोस्तों, ड्राइंग रूम भी हो गया, किचन भी होगी और बाथरूम भी हो गया। हाँ, मैंने इसका दरवाजा आपको दिखाया जो बहुत सिक्योरिटी पर्पज से बहुत बढ़िया था। अगर मैं अब इसके बेडरूम्स की बात करूं दोस्तों, दोनों बेडरूम फ्रंट पे है, बालकनी के साथ है, उसके अंदर जाके आप एक चीज देखोगे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ पहले बेडरूम के अंदर, ठीक है दोस्तों। जी आ गया मेरा पहला बेडरूम, बहुत ही बढ़िया, सुपर स्पेशियस। साइज की बात करूं ना दोस्तों, ये साइज कम से कम ऐसे 14.5 फुट का साइज है, 14.5 फुट का, और ऐसे मैं बात करूं तो लगभग 12 फुट का है, 12x14 का साइज, सुपर बढ़िया बेडरूम। अगर इसमें वार्डरोब की बात करूं तो वार्डरोब का साइज लगभग ऐसे 7 फुट है और ऐसे 9 फुट है, 7x9 की बढ़िया वार्डरोब। और एलसीडी पैनल की बात करूं, चीजें दिखाता चला जाऊंगा, प्रॉपर डिजाइनर पैनल लूवर के साथ, बीच में हमने जो डिजाइन दिया बड़ा अच्छा लग रहा है, नीचे जो ड्रॉजेस दिए हैं वो शानदार कलर की लग रही हैं दोस्तों। अब मैं बाथरूम की बात करूं, जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसमें पार्टीशन मिलेगा, मैं खुद जाऊंगा बाथरूम के अंदर दिखाऊंगा आपको। ये देखिए बढ़िया सा, यहाँ पर आपको पूरा ग्लास लगा के देंगे, ये आपने देख लिया होगा, यहाँ पर जैसा होटल्स में होता है ये हमने स्पॉट लगाई हुई है, यहाँ पर शीशा लगना है, पूरा टफन ग्लास लगेगा बेडरूम के साथ जो बाथरूम दे रहे हैं हम अटैच, शानदार होने वाला है। सारी फिटिंग हमने आपको बता दी, जगुआर की है, यहाँ पर वैनिटी लगी हुई है, सेंसर वाला यहाँ पर टैप लगा हुआ है, डाइवर्टर लगा हुआ है, ठंडा पानी गर्म पानी हर बेडरूम पे हर बाथरूम में आपको सुविधा मिलने वाली है दोस्तों। और क्या बात करूं, इस बेडरूम में चीजें दिखा रहा हूं, आप देखो नोट करो कि क्या क्या चीजें हम दिखा रहे हैं, एक एक चीज पे काम किया जा रहा है। ये देखिए विंडो देखिए, सारी यूपीवीसी की फिटिंग है, स्लाइडिंग पूरा लगा हुआ है, आगे जाली वाली पीछे ग्लास वाली, डबल फिटिंग, कोई सिंगल फिटिंग नहीं है, डबल फिटिंग पूरी। यहां पर आपको नेचुरल लाइट मिलेगी, पूरी रोशनी आएगी और यहाँ पर आपको कभी भी लाइट जलाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हम वीडियो बना रहे हैं, थोड़ी सी रोशनी हमें रखनी जरूरी है। अगर मैं रोशनी नहीं भी रखूं तो इस कमरे के अंदर दोस्तों पूरी लाइट आती है, एक एक चीज नोटिस करने वाली है दोस्तों। अब बालकनी की बात करूं, बालकनी काफी बड़ी है, मैं बालकनी को दिखाना चाहूंगा आपको, अगर मैं साइज भी बता देता हूँ, बालकनी कम से कम है तो 18 फुट की बालकनी है, ऐसे देखूंगे 3 से 3.5 फुट की बालकनी है, ठीक है दोस्तों। अब ये पूरा बेडरूम पहला वाला बेडरूम था, साइज मैंने आपको बताया सुपर स्पेशियस साइज था, बाथरूम आपको मैंने दिखाया अटैच बाथरूम था। अब मैं दूसरे बेडरूम की तरफ जाना चाहूं तो दोस्तों ये दूसरे बेडरूम की तरफ आ गया मैं, इसके अंदर जो फ्लोरिंग की है टोटल वुडन फ्लोरिंग, इसको रूम को जो पूरी थीम दी है हमने पूरी वुडन वाली थीम दिया दोस्तों। साइज की बात करूं अलमीरा की, जो वार्डरोब मैंने वहां दिखाई थी जिसका 7x9 साइज था और इसका भी साइज 7x9 का है, इतनी सुपर स्पेशियस है शायद आपको कभी भी आपको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरी अलमारी घर से हमें पुरानी लानी है। पीछे आप वॉलपेपर देख रहे हैं, जो मैंने पहले वाले बेडरूम के अंदर दिखा रही कि आपको नेचुरल लाइट आएगी तो यहाँ पर वो तो विंडो लगी थी, यहाँ पर पूरा हमने डबल डोर लगाया हुआ है, पीछे आगे देख रहे हैं जाली वाला और पीछे देख रहे हैं पूरा ग्लास वाला। देखिए यहाँ से आपकी बाहर जाने की एग्जिट पॉइंट हो गया, इतना शानदार काम किया ना दोस्तों। अगर क्वालिटी गिनवाता चला जाऊंगा तो मैं गिनवा नहीं पाऊंगा, इसके नंबर ऑफ चीजें गिनवाता चला जाऊंगा तो गिनवा नहीं पाऊंगा। बाकी फॉल सीलिंग के डिजाइन है या दूसरे डिजाइन है सारे आप मेरे वीडियो में चलते चलते देख ही रहे हो, तो दोस्तों अगर आप आओगे और मेरे साथ चलोगे और ये फ्लैट देखोगे तो आपके मुंह से वहां निकलेगी तो मजा आ जाएगा, वहां निकले या आ निकले लेकिन वो पॉजिटिव वहां और आ होगी, ये याद रखना दोस्तों। ये मैंने दोनों बेडरूम दिखाए, दोनों ही शानदार थे। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों तीसरे बेडरूम की तरफ, तीसरा बेडरूम भी बहुत शानदार होने वाला है। आप मेरे पास देख रहे हैं, ये वुडन का काम देख रहे हैं, देखिए इतनी बढ़िया पॉलिश की हुई है, हाथ लगाओ हाथ फिसल जाए, इतनी क्लास चीजें लगाई हैं, इतना काम किया हुआ है, मेरे को मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों तीसरा बेडरूम, इसका साइज भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है, इसमें भी वुडन के काम की कोई कमी नहीं है, अलमीरा की कोई कमी नहीं है। साइज में से बात करूं तो लगभग 12 फुट है, ऐसे करूं तो 12 फुट है, तो 12x12 का तीसरा बेडरूम भी है। अलमीरा की बात करो 5x9 की, दोस्तों यहाँ भी अलमीरा लगा दिया हमने, किसी चीज की कमी नहीं है। और आपको ये पीछे का एरिया दिखाऊं, ये एक वॉशरूम और है, तो ये भी अटैच वॉशरूम है, तीन वॉशरूम, तीन बेडरूम, डिजाइनर चीजें, वॉल बार का आउटर, मेन डोर, जगुआर की फिटिंग, तो चीजें इतनी इतनी हैं मैं गिनवा नहीं पाऊंगा। तो आप वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो के अंदर हर चीज बताने की, कि एक एक चीज आपको डिस्क्राइब करूं, आपको
ताकि पता चल जाए कि आप चीज लेने जा रहे हैं तो क्या चीज लेने जा रहे हैं। दोस्तों वापिस आ गया हूँ मैं सेक्शन में, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया फ्लैट होने वाला है ये, आप आइएगा जरूर, देखिएगा जरूर। अगर मैं लोन की बात करूँ तो 80% तक लोन भी हो जाएगा, और कुछ और क्वारीज हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे चैट करके, मेरे से व्हाट्सएप में बात करके या वैसे फ़ोन करके एक एक चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी इसके बारे में और डिटेल आपको बताने में। दोस्तों याद रखिएगा ये फ्लैट बहुत शानदार है, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, रेट भी बहुत रिजनेबल है, जो 135 गज के फ्लोर के हिसाब से होने चाहिए उस हिसाब से रेट बहुत रिजनेबल है। आइएगा जरूर, मिलिएगा जरूर, इसी तरह सहयोग बनाए रखेगा, प्यार बनाए रखेगा, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है आपके जवाब देने के लिए और चीज़ों के लिए। तो नमस्कार, जय हिंद।